दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आप ईएमआई पर मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दोस्तों, अब आप अमेजोन से बिना क्रेडिट कार्ड के अपने एटीएम डेबिट कार्ड से भी ईएमआई पर यानी किस्तों में मोबाइल खरीद सकते हैं। कैसे? आपको दोस्तों डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ईएमआई पर अमेजोन से मोबाइल खरीदना है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी ईएमआई पर डेबिट कार्ड ईएमआई पर मोबाइल लेना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, एटीएम कार्ड ईएमआई पर मोबाइल लेने के लिए सबसे पहले आप अपने अमेज़न ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पे साइन इन हो जाएंगे। इसके बाद आप उस मोबाइल को यहाँ से सर्च करेंगे जो मोबाइल आप खरीदना चाहते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल फोन लिख के यहाँ पे सर्च कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा मोबाइल फोन्स आ चुका है। आपको भी जो मोबाइल खरीदना है वो मोबाइल आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे वो मोबाइल देखने को मिल जाएगा, उस मोबाइल को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M33 5G को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिसका प्राइस है 17,999 रुपये। तो चलिए मैं इस मोबाइल को खरीदना चाहता हूँ। कैसे? आपको भी डेबिट एटीएम कार्ड ईएमआई पर खरीदना है, मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। अब आपको यहाँ पे मोबाइल का फीचर्स बताई जाएगी, देख सकते हैं। आप यहाँ से कलर को सिलेक्ट करेंगे, आप रैम रोम स्टोरेज चेक कर लेंगे, प्राइस आप यहाँ पे देख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अब देख सकते हैं, आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो इसका प्राइस यहाँ पे 17,999 बताया जा रहा है। तो अगर आप इसको ईएमआई पर लेना चाहते हैं यानी किस्तों में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस शो दिख रहा है, आपको ईएमआई ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ईएमआई ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ईएमआई पे मोबाइल लेने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इसके बाद ऊपर आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, एक अमेजोन पे लेटर का और एक डेबिट कार्ड ईएमआई का। तो अगर आप डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड ईएमआई पर मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड ईएमआई पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप डेबिट कार्ड ईएमआई पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ईएमआई कौन कौन से बैंक में उपलब्ध है। यहाँ पे आपको बैंक का नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इलिजिबिलिटी को चेक करना है कि आपको डेबिट, एटीएम कार्ड, ईएमआई पर मोबाइल मिलेगा या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सभी बैंकों का ऑप्शन आ जाएगा जो बैंक उपलब्ध है। तो दोस्तों, अगर आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट है तो आपको अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक SMS सेंड करना होगा, जिसमें आपको अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना है। और यहाँ पे आपको अमेजोन की तरफ से बताया जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं, आपको ATM डेबिट कार्ड पर EMI पर मोबाइल मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे आपको SMS करना है, अगर आपका HDFC बैंक का अकाउंट है तो आप SMS करेंगे। SMS करना है 567672 पर, ये नंबर है। इसमें आपको SMS लिखना है कैपिटल लेटर में, MyHDFC फॉर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपके बैंक अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको 567672 पे MyHDFC कैपिटल लेटर में लिख के मैसेज करना है। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है तो आपको SMS करना है 567688 नंबर पे, जिसमें आपको DCEMI कैपिटल लेटर में लिखना है और स्पेस देखिए आपको अपने डेबिट कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको मैसेज को सेंड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास एक्सिस बैंक का अकाउंट है, एक्सिस बैंक डेबिट कार्ड है, तो आपको यहाँ पे SMS में लिखना है, देख सकते हैं 5616100 पे आपको SMS सेंड करना है, DCEMI आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, स्पेस देके आपको अपना ATM कार्ड का लास्ट 4 डिजिट डाल देना है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास ICICI बैंक का अकाउंट है, ICICI बैंक का ATM कार्ड है, तो आपको 5676766 पे SMS सेंड करना है, जिसमें आपको DCEMI स्पेस लास्ट 4 डिजिट ATM कार्ड का डाल देना है। अगर आपका फेडरल बैंक में बैंक अकाउंट है तो आप 5676762 पर SMS करेंगे DC स्पेस EMI और आप इस नंबर पे सेंड कर देंगे। तो जैसे ही दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा उस हिसाब से यहाँ पे नंबर बताया गया है, आप यहाँ पे अमेजोन में आके देख सकते हैं। तो इस नंबर पे आपको SMS करना है। इसके बाद आपको अमेजोन कंपनी से एक रिस्पॉन्स मैसेज मिलेगा, जिसमें बताया जाएगा कि आप अपने ATM कार्ड से EMI पर मोबाइल ले सकते हैं या नहीं। अगर आप एलिजिबल है तो आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, आप डेबिट कार्ड EMI पर अमेजोन से शॉप कर सकते हैं, आप मोबाइल खरीद सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो बताया जाएगा कि आप ATM डेबिट कार्ड से किस्तों में मोबाइल नहीं खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना एलिजिबिलिटी को चेक करना है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है शॉप अप टू 1 लाख, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है आप 1 लाख रुपए तक का शॉपिंग कर सकते हैं और इसका रीपेमेंट जो होगा, यानी जो किस्त आपको चुकाना है, वो यहाँ पे बहुत ही इजी से ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा अमाउंट, जो भी आप मंथली EMI सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे बताया गया है कोई भी आपको हिडन चार्जेस नहीं देना है। फ्लेक्सिबल ईएमआई 1 to 12 मंथ यानी आप 1 महीने से लेकर 12 महीनों के लिए ईएमआई पर ले सकते हैं। 100% ऑनलाइन प्रोसेस, नो बैंक विजिट, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। एडिशनल डिस्काउंट एंड कैशबैक भी आपको यहाँ से मिलेगा। आप यहाँ पे एलिजिबल पाए जाते हैं दोस्तों, आप बहुत ही आसानी से एटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मोबाइल ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको स्टार्ट शॉपिंग का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एलिजिबल पाए जाएंगे, जब आप मैसेज सेंड करेंगे और आपका जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो कैसे आपको डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड के थ्रू ईएमआई पर मोबाइल को लेना है। तो स्टार्ट शॉपिंग पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या क्या प्रोडक्ट आप यहाँ पे डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड ईएमआई पर ले सकते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि अगर आपको मोबाइल फोन्स लेना है तो आप मोबाइल फोन्स पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे मोबाइल फोन्स वाले पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी मोबाइल लेना चाहते हैं उस मोबाइल को यहाँ पे यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से सर्च बार पे सर्च भी कर सकते हैं उस मोबाइल को। जैसे कि मैं यहाँ पे मोबाइल फोन्स फॉर एग्जाम्पल के लिए कर दिया है, मैं यहाँ पे मोबाइल फोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मुझे यहाँ पे खरीदना है। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल फोन को सिलेक्ट कर लिया है। आपको भी चेक कर लेना है कि अगर आपको ये वाला मोबाइल लेना है, रैम रोम आपको चेक कर लेना है, मोबाइल का क्वालिटी फीचर्स आपको देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईएमआई ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ईएमआई ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है। अब आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों, जिस प्रकार यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है उसी प्रकार आपको डेबिट कार्ड ईएमआई का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जब आप अपना एलिजिबिलिटी को चेक कर लेंगे। तो जैसे ही आपका रिस्पॉन्स मैसेज आ जाएगा कि हाँ आप डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से अमेजोन से ईएमआई पर मोबाइल ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैंने अभी एक्टिव नहीं किया है दोस्तों, इसलिए मेरा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको सेंड करेंगे और आप एलिजिबल पाए जाएंगे तो आपको यहाँ पे एटीएम कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको दोस्तों जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस प्रकार यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार आगे का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इसी प्रकार आपको उस बैंक का डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप एलिजिबल पाए जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट होगा तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस प्रकार से जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे मंथली कॉस्ट ईएमआई प्लस को चूज करना है कि आप कितने दिनों के लिए और कितने ईएमआई मंथली पे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 17,999 इस मोबाइल का प्राइस है और यहाँ पे प्लान बताया गया है, आपको उसी प्लान को सिलेक्ट करना है जो भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे 9 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो आपको 2110 रुपये मंथली ईएमआई पे करना होगा। अगर आप 12 मंथ के लिए लेना चाहते हैं तो 1608 रुपये आपको पे करना होगा। 18 मंथ के लिए लेना चाहते हैं 1123 रुपये आपको प्रति महीना यहाँ पे ईएमआई जमा करना होगा। अगर आप 24 मंथ के लिए 873 रुपये आपको यहाँ पे ईएमआई पे कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पे बहुत सारा ईएमआई प्लान दिया गया है, स्टैंडर्ड प्लान है, नो कॉस्ट ईएमआई प्लान है। तो प्लान चेक कर लेने के बाद आपको फिर से बैंक आ जाना है और यहाँ पे आपको उस मोबाइल को कार्ड पे ऐड कर लेना है। तो कार्ड पे ऐड करने के लिए आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड टू कार्ड का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ऐड टू कार्ड पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे आपको अपना एड्रेस देखने को मिलेगा, आप एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, अमेजन पे बैलेंस, अमेजन पे यूपीआई, अदर यूपीआई आईडीज, नेट बैंकिंग, ऐड डेबिट क्रेडिट कार्ड, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ईएमआई का, तो आपको ईएमआई पे क्लिक करना है। और जैसे ईएमआई पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सिलेक्ट ईएमआई ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ऐड ए न्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ऐड ए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, कार्ड नंबर। इसके बाद आपको एक्सपायरी डेट और एक्सपायरी मंथ डाल देना है। इसके बाद आपको ऐड योर कार्ड पे क्लिक कर देना है। अब आपका के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डाल के आपको कन्फर्म कर देना है। ओटीपी डाल के जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपका ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा और आपके दिए हुए एड्रेस पर आपके घर पे मोबाइल आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अमेजोन से डेबिट एटीएम कार्ड ईएमआई पर मोबाइल ले सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बता दिए हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।